साथ लेके चलूंगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट कीप योर माइक्स ऑफ, आप अपने माइक्स को ऑफ रखें, पर जब भी आपको कुछ पूछना हो यू आर अलाउड, यू आर वेलकम, यू कैन ओपन योर माइक, आप माइक कैमरा खोल के फिर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट दैट इफ आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग, तो एक टॉपिक को मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, आपको समझा दूं, उसके बाद आप मुझे फिर पूछेंगे, तो सबका समय बचेगा और सबको समझ में आएगा। तो मैं बीच बीच में आपको पूछता जाऊंगा, आप मुझे उस समय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं बस एक गुजारिश करूंगा, मुझे ये बता दो आप लोग कितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, कितना का मतलब है यस नो बता दो। इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया राइट वाई इन द चैट बॉक्स, एंड इफ नो सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट राइटिंग एन। राहुल कुमार रॉय यस, हर्षित शनि, अभिषेक गुप्ता, बानु जी नो, यस बहुत आए, शौर्य यस, यस नॉट मच, राजीव चौधरी, गिरीश गुप्ता यस, ओके आप प्लीज माइक्स को ऑफ रखना। आई वुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने यस लिखा, तो मेरा आधा काम तो सॉल्व हो गया, यानी आप सोशल मीडिया पर पहले हैं। आप उस सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कैसे करें और उस सोशल मीडिया को आगे कैसे लेके चलें, वो अब हम सीख लेते हैं। तो मैं आपको सोशल मीडिया का एक बहुत सिंपल सा ट्रेलर दिखाता हूँ यार, आप उसे देखें और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग विद एआई बाय अध्यात्मराज, आज फिर से एक बार स्वागत है जो लोग अभी जुड़े हैं, और आज की इस लर्निंग के दौर को अब शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू यूज एंड ऑप्टिमाइज आर सोशल मीडिया, हम कैसे सोशल मीडिया को उपयोग में ला सकते हैं और कैसे आगे जा सकते हैं सोशल मीडिया पर। आज मैं जहां से शुरू कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों को पकड़ने की कोशिश करना, प्लीज ट्राई टू कैच दिस थिंग, व्हाट एवर आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीवर, दिस इज अ प्रिंसिपल, ये एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक फॉर्मूला है। अगर आप इस नियम फॉर्मूले को पकड़ गए, जिंदगी में आपको टेक्नोलॉजिकली थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट लॉजिकली, फंक्शनली, कॉन्सेप्चुअली आपको मार्केटिंग और प्रमोशन करने में मुश्किल नहीं आएगी। यू कैन डू इट इजीली। तो सोशल मीडिया में सबसे पहला काम आज जो ट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया की जो जान है, सोशल मीडिया पर जो कुछ प्रमोट करना चाहते हैं आप, उसको प्रमोट करने का जो पहला प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है कि कैसे दुनिया के लोगों को आप अपने पास लाएंगे, अपनी कम्युनिटी में लाएंगे, भीड़ कैसे आप तक आ सकती है, ये सब कुछ इस प्रिंसिपल से आप कर सकते हैं। अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया तो सब कुछ पकड़ में आ गया। ये हम इसका नाम, टेक्निकल लैंग्वेज इसकी है फनल। फनल का मतलब कीप, कीप का मतलब एक फ्लावर के साइज का वो जो पॉट होता है, किसी एक बर्तन में, बर्तन का मुंह अगर संकरा है और ऊपर से कुछ हमें उसमें भरना है, तो हम एक छोटे से टूल का यूज करते हैं, प्लास्टिक का, लोहे का, उसे हम कीप बोलते हैं, पूल बोलते हैं, या फिर हम उसे इंग्लिश में फनल बोलते हैं। यही काम हम अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज में करते हैं कि दुनिया में से जो आज दुनिया में कितने लोग हैं, दुनिया में कौन बताएगा कितने लोग हैं, राइट इन द चैट बॉक्स मेरे को आप लिख के बताएं दुनिया में कितने लोग हैं। वेटिंग फॉर यू, आप में से कोई मुझे बता दें दुनिया में कितने लोग हैं। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ट्राई किया, 800 बिलियन, 7 खरब, 800 करोड़। हाँ,
अब इन 8 अरब लोगों में से आप देखेंगे हाउ मेनी पीपल इन वर्ल्ड आर कनेक्टेड एट सोशल मीडिया। आप ढूंढ के देखना, गूगल बताएगा 4.95 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर कनेक्टेड एट सोशल मीडिया। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, जिन्होंने भी 800 बिलियन लिखा वो मिलियन है। अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 बिलियन लोग हैं, 8 अरब में से 4.95 बिलियन यानी 5 अरब लोग सोशल मीडिया पर हैं। फेसबुक पर उसमें से 68.38% लोग हैं, 68.38। और ऐसे ही एक आंकड़ा यूट्यूब यानी गूगल पर है। तो सोशल मीडिया पर एक अच्छा नंबर, जितनी भी पॉपुलेशन दुनिया की है उतना वहां है। अब आप अगर इसे पूछेंगे हाउ मेनी पीपल वर्ल्ड वाइड परचेज टू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से कितने लोग खरीद रहे हैं, जस्ट अंडर 2/3, 64% ऑफ सोशल मीडिया यूजर सर्वेड सेड दैट दे मेड अ सोशल कॉमर्स परचेज इन द लास्ट ईयर, विच एकेंचर एस्टिमेट्स टू रिफ्लेक्ट नियरली 2 बिलियन सोशल बायर्स ग्लोबली। इसका मतलब जो 5 अरब लोग हैं उनमें से यहां 2 अरब लोग ऑनलाइन पैसा खर्च करते हैं, 2 अरब लोग। हमें क्या चाहिए? हमें ये 2 अरब लोग नहीं चाहिए। जो काम आप में आप और मैं करते हैं उसमें इतने कस्टमर्स की हमें जरूरत नहीं, हमें चंद लोग चाहिए। इसका एक हिस्सा चाहिए, इस समंदर की एक बाल्टी चाहिए, एक छोटा सा पूल चाहिए। यहां से हजारों लोग या लाखों लोग हमें अपने लिए निकालने हैं, बस उतना सा निकाल के लाना है। अब ये सोशल मीडिया पर भरमार है लोगों की, और इस भरमार में से हमें अपने लायक लोग लेके आने हैं। एक बार में नहीं लाने, स्लो स्लो आएंगे भी स्लो, पर आएंगे कैसे? तो इस आज विद्या को हम सीख रहे हैं कि कैसे इन 5 अरब लोगों में से हम एक फनल बनाएं, एक कीप बनाएं, और वो फनल या कीप हमें उन लोगों को कैसे लाके देगी, मैं आपको वो बताता हूं। आप एक छोटी सी क्लिप को देखना, ये क्लिप आपको समझाने के लिए काफी होगी कि आप कैसे लोग दुनिया में से सोशल मीडिया पर जो भीड़ है उसमें से आप तक पहुंचते हैं। Creative video messaging develops an audience and pulls potential clients into your sales funnel. It attracts them to your sites and platforms, then promotes interaction between prospects and your message, which develops and qualifies leads, and finally results in a higher rate of conversions to new customers. Take an opportunity for a free consultation today. इस तरह से यहाँ ऊपर भीड़ आती है, यानी ज्यादा लोगों को हमें लेना है, फिर धीरे 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 कुछ लोग हट जाते हैं और बाकी के लोग हमारे पास आ जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्स फनलिंग, प्रमोशनल फनलिंग, फनलिंग एट सोशल मीडिया। और यही काम अगर हम अपने लिए शुरू कर देते हैं, यही प्रिंसिपल अगर हम अपनी मार्केटिंग में, प्रमोशन में अपना लेते हैं, तो हमें कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कस्टमर्स जितने चाहिए उस हिसाब से अगर हम अपने फनल्स को सेट कर लेते हैं, तो बड़ी आसानी से हमारे पास लोग आने शुरू हो जाते हैं। ये जो फनल स्टेप लिखा हुआ, एक बर्तन है, एक पॉट है, तो ये समझो कि आप पूरे सोशल मीडिया पर भीड़ है, वो आपके पास आती कैसे है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को हम समझते हैं। पहला स्टेप,
अवेयरनेस। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, राज शर्मा कौन है, उनका प्लेटफॉर्म अध्यात्म राज है, मैं लोकमान सिंह हूं, मेरा प्लेटफॉर्म पीपल ट्रेनर्स है, आप सबके अलग अलग नाम हैं, कोई अभिषेक गुप्ता है, कोई आकाश कोलुंग है, इन सब लोगों को ये दुनिया जो 5 अरब लोग हैं नहीं जानते। इन्हें अगर आप पॉपुलर होने की कोशिश करेंगे बड़ा लंबा समय लगेगा। आपको इन 5 अरब में पॉपुलर होने की भी जरूरत नहीं है, आपको हजारों लाखों लोग चाहिए। अगर लाखों लोगों में आप पॉपुलर हो गए तो उसमें से हजारों आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें लाखों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। आज से पहले आवाज पहुंचाने के लिए कौन से तरीके हुआ करते थे, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स कि अपनी आवाज, अपना एड अगर लोगों तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाते थे हम, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स। गुड, आदमी बहुत अच्छे हो आप। टीवी, न्यूज़पेपर, मेल्स, वाओ ग्रेट। न्यूज़पेपर, रेडियो, एसएमएस, टीवी। आप मुझे बताएंगे कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी इसमें इन सारे मीन्स पर कितना पैसा खर्च होता होगा? ओब्वियसली बहुत खर्च होता होगा। थैंक यू, थैंक्स भावना जी, कपिल जी, बहुत पैसा इसमें खर्च होता होगा। उस पैसे को हम ऐसे समझें कि न्यूज़पेपर में मैंने न्यूज़ दिया, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़ दिया जहां पर 20 लाख लोग थे, 20 लाख कॉपी छपी, लोगों के पास गई, और उस 20 लाख में से हो सकता है मेरे लिए जो क्लाइंटेल है वो 500 लोग ही हो, तो 19,95,99,500 कॉपी मेरी ऐसी गई जहां पर कोई मतलब नहीं था, पेपर भी खराब हुआ, इंक भी खराब हुई, मेरा पैसा खराब हुआ, बट मुझे वो 500 लोगों तक ही वहां पहुंचना था, और उसके लिए मुझे 20 लाख के रास्ते से जाना पड़ा। वहां जो आपने किया, आपने 20 लाख लोगों में अपना नाम पहुंचाने की कोशिश की, 20 लाख लोगों में, ये क्या था, पहले लोग नहीं जानते थे, अब जानने लगे। जो आप किसी शहर में घुसते हो, एक होर्डिंग लगा होता है, वो होर्डिंग इसलिए नहीं है कि आप जाते इस प्रोडक्ट को खरीद लें, वो होर्डिंग इसलिए है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने वाले को जान जाएं, आपकी आंखों में, आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, आपके ध्यान में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात छप जाए कि ये भी कोई है। तो यही काम सोशल मीडिया पर करना हमारा पहला कदम होता है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले हम जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, अपने प्रोडक्ट की ऐसी एड कैंपेन चलाते हैं जहां जो लोग हमारे जैसी सेवाएं या चीजें ढूंढ रहे हैं, या जो जरूरत है, जो हम दे रहे हैं उनको जरूरत है, तो उनके सामने हमारा ब्रांड, हमारा एड, हमारा नाम प्रस्तुत हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। सो दिस वे द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेप ऑन सोशल मीडिया इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग मासेस। लाखों लोगों में जब हमारा नाम जाएगा तो हजारों उसमें से हमें जवाब देंगे, लाखों में नाम जाएगा, हजारों वापस आएंगे, तो बाकी बहुत सारे हैं जहां पर वो रिजेक्शन जाएगी। लाखों में दिया, हजार आए, जैसे न्यूज़पेपर 20 लाख दिया, 500 आए, वैसे ही सोशल मीडिया पर जो खर्चा है अवेयरनेस का वो न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में बहुत कम। यही खर्चा न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा था, टीवी में बहुत ज्यादा था, बिलबोर्ड पे बहुत ज्यादा था, पंपलेटिंग में बहुत ज्यादा था। तो अवेयरनेस फैलाना यहाँ बड़ा आसान है। अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें क्या करना है, आप देखें मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूं कि अवेयरनेस फैलाने में हम क्या चीजें हमारे काम आ सकती हैं। यहां मेरी एक कैंपेन अभी देखेंगे आप, मैंने 2 दिन पहले एक कैंपेन रन की और उस कैंपेन में सिर्फ नाम पहुंचाने की कोशिश की,
पीपल ट्रेनर से 469 रुपए खर्च हुए, 16,000 लोगों तक रीच हुई। अब आप इसे देखकर अचंबा करेंगे, यू रियली वुड सरप्राइज। दीज 16,000 पीपल आर द पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट लाइक वी आर प्रोवाइडिंग। हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वैसा प्रोडक्ट में, वैसी सर्विसेज में उनका इंटरेस्ट है। ऐसे 16,000 लोगों को ये एड यहां से देख दिखाया जा चुका है। और उस ये 16,000 को मैं पहले नहीं जानता, मैं आज भी उन्हें नहीं जानता, बट मेरा एडवर्टाइजमेंट उन 16,000 लोगों तक पहुंच गया। और उन 16,000 लोगों में से 894 लोगों ने वहां पर अपना काम कर दिया, लिंक क्लिक कर दिया। जैसे इलेक्शन में हम अपने वोट दे दिए, उन्होंने उधर से ये लिंक क्लिक करके बता दिया कि उनको मेरे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, हमारी इस सेवा की जरूरत है। और अब यहां से आगे हमारा काम शुरू होता है कि हम अगले स्टेप्स में इन 894 लोगों को फिर किसी और तरीके से फॉलो अप करें, ट्रैक करें, कन्वर्ट करने की कोशिश करें, एंगेज करें। तो 469 रुपए में, यानी 500 रुपए के अप्रोक्स में 16,000 लोगों को एड दिखा दी गई, और उसमें से 900 लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी जाहिर कर दिया। और ये वो लोग हैं जिनको आज तक मैं जानता नहीं था, जो मुझे नहीं जानते थे। अब भविष्य में ये 16,000 लोगों के दिमाग में ये ब्रांड चला गया, ये प्रोडक्ट चला गया, देर सवेर ये 16,000 भी अगली बार जब एड इनकी आंखों के सामने जाएगा तो ये फिर लिंक क्लिक करेंगे। इनमें से बहुत सारे लोग लिंक क्लिक करेंगे। तो ये अवेयरनेस एड इतना सिंपल था, जिसमें मैंने मुश्किल से 20 मिनट खर्च किए, और ये एड चलता जाएगा, ये नंबर बढ़ता जाएगा। इससे सस्ता और कुछ हो सकता है क्या? राइट इन द चैट बॉक्स, इज देयर एनी अदर मीन ऑफ मार्केटिंग जस्ट चीपर देन दिस? इससे कम कुछ हो सकता है क्या? नो, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब ये जो कला है, ये जो आर्ट है, ये बहुत बड़ी आर्ट है, बट एआई ने इसको इतना इजी बनाया है कि यू वुड नॉट बिलीव। इसमें से आधा काम एआई करता है। किसको मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है ये मैंने डिसाइड नहीं किया, इसमें से 80% काम एआई ने किया है। सॉफ्टवेयर एआई का पीछे लगा है, वो ढूंढता है किसको क्या पसंद है और मैं क्या प्रमोट कर रहा हूं, दोनों को बैकग्राउंड में मैच करा देता है। ये काम है एआई का। इस विद्या को अगर हम जल्दी अपना लेते हैं तो ग्रोथ पर आगे निकल पड़ेंगे, ग्रोथ पर आगे निकल पड़ेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ सेल्स फनल का? हु इज गोइंग टू राइट हियर? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर सेल्स फनल? आई वुड ट्राई टू मेक दिस लर्न। आप इस क्लास को छोड़ें उससे पहले आप ये सीख के जाएं। अवेयरनेस, अवेयरनेस। एंड व्हाट इज द सेल्स फनल? हु इज गोइंग टू आंसर व्हाट इज सेल्स फनल? आप क्या समझते हैं सेल्स फनल से? एक बार रिपीट कर लेते हैं प्लीज, कोई भी एक लिख दे, तीन चार वर्ड में प्लीज लिख दे, एक सिंगल सेंटेंस। व्हाट इज सेल्स फनल? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्स फनल? आपको क्या समझ में आया? आप में से कोई भी प्लीज, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज एक्चुअली सेल्स फनल? जर्नी फ्रॉम अट्रैक्शन टू लीड। वाओ सुरुचि मलिक, दैट्स ग्रेट। टू फिल्टर योर सर्च, थोड़ा थोड़ा ठीक है सपना जी, लिखो लिखो, दो चार लोग और लिखो, सबको सबको समझ में आ जाएगा, आपके मन पर छप जाए। क्योंकि हम ऑकल्ट साइंस से आते हैं, हमारे फील्ड अलग अलग है। भावना जी, मार्केटिंग बहुत बहुत ही जनरल सा वर्ड हो गया, टारगेटिंग राइट कंज्यूमर्स। हाँ विपिन जी, बिल्कुल हो सकता है, थैंक यू। ललिता जी, इंटरेस्टेड पीपल कम इन योर कम्युनिटी, दैट्स ग्रेट। अटेंशन ग्रैबिंग, दैट्स ग्रेट। अट्रैक्शन ऑफ आर प्रोडक्ट, नहीं रंजू जी। फिल्टरिंग आर कस्टमर्स, हाँ यस एब्सोल्युटली। टारगेट मोर पीपल, हाँ वशिष्ठ जी, ये तो है ही, टारगेटिंग मोर पीपल इज आर इंटेंशन एंड दैट्स आर मोटिव। वॉट अपार्ट फ्रॉम दिस? बहुत बढ़िया, आपने सबने कोशिश की। एंड कन्वर्जन फ्रॉम पोटेंशियल पूल, मैं इसका सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। सोशल मीडिया पर जो भी भीड़ है,
जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अपने अपने पर्पज के लिए है, वो वहाँ कोई इंटरटेनमेंट के लिए आया है, कोई वहाँ पर सोसाइटी कम्युनिकेशन के लिए आया है, कोई इंटरेक्शन के लिए आया है, कोई इंटरटेनमेंट के लिए आया है, पर्पज डिफरेंट डिफरेंट थे, कोई वहाँ पर मटेरियल खरीदने नहीं आया था, बट आज हमें पता चला कब हम वहाँ पर खरीदार बन गए और आज घर की हर चीज़ वहाँ से आ जाती है। हमारा इंटेंशन ये कभी नहीं था कि हम फेसबुक पर या इंस्टा पर या गूगल पर चीज़ों को खरीदने के लिए जाएं, पर आज हम वहाँ से खरीद रहे हैं। यही सोशल मीडिया की ताकत है और यही सेल्स फनल है। फनल का मतलब है मैं हजारों लोगों को अपनी चीजें दिखाऊं, उसमें से सैकड़ों लोग निकाल लूं, लाखों को दिखाऊं, सैकड़ों हजारों मेरे पास आ जाएं, यानी मैं छान छान के, छांट छांट के मैं लोगों को अपनी तरफ लेता जाऊं। ऐसा जो टूल मेरे लिए काम करेगा उसे हम सेल्स फनल कहेंगे। सेल्स फनल का पहला स्टेप है कि मैं लोगों में जागरूकता फैलाऊं। जागरूकता कहाँ से फैलानी है, कैसे फैलानी है, इसे हम अभी चर्चा करेंगे। पर आपको कॉन्सेप्चुअली अगर ये समझ में आया हो तो मेरी आज की इस चर्चा की सार्थकता पहली शुरू हो जाती है। तो इन केस यू कुड लर्न दैट व्हाट इज सेल्स फनल एंड हाउ टू स्प्रेड अवेयरनेस, या अवेयरनेस बढ़ाने से फायदा क्या होता है, कैसे बढ़ाई जाती है तो अभी नहीं सीखा, फायदा क्या होता है, अगर ये क्लियर हो गया हो तो मुझे यस लिख दो सो दैट आई शुड गो टू द नेक्स्ट स्टेप। कोई तो यस लिख दे, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे लोग हैं आप, मेरे कहते ही यस लिख देते। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज राइट नो, इन केस यू कुड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज राइट नो, यू हैव राइट टू से नो, नहीं आया तो मैं बता के आगे चलूंगा, आई विल नॉट लीव एनीवन हियर विदाउट कंप्रेहेंशन ऑफ दिस स्टेप। अगर ये समझ में आ गया, मुझे कई महीनों में समझ में आया था जब मैंने शुरू किया था, पर आज आपको समझ में आ गया था, आई विल क्लैप फॉर यू। सो देर इज नो वन हु इज राइटिंग नो, आई वुड गो अहेड, मैं आगे जाऊंगा स्टेप टू, अगले स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज लीड जनरेशन। उन लाखों की संख्या में से जिनको आपने एड दिखाया, उन लाखों की संख्या में जिनके पास आपका एडवर्टाइजमेंट गया, उन लाखों में से अब अपनी जरूरत के हिसाब से वो हजारों लोग निकालने हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं। आपने जब दिखाया दैट वाज वन वे ट्रैफिक, सिर्फ आप दिखा रहे थे, लोग देख रहे थे, जैसे होर्डिंग लगा, जैसे न्यूज़पेपर लगा। बट लीड जनरेशन क्या है? लीड का मतलब है वो इंटरेस्टेड आदमी, वो व्यक्ति जो आपके प्रोडक्ट या एड को देखकर उसमें इंटरेस्ट जाग गया और उसने उंगली दबाकर लिंक पर क्लिक कर दिया, या फोन कॉल कर दी, या व्हाट्सएप कर दिया, जिसने ये आपको नोटिस करा दिया कि मुझे आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की जरूरत है, और वो मैसेज आप तक पहुंच गया। नाउ अदर पार्ट ऑफ ट्रैफिक, अवेयरनेस में आपकी तरफ से लोगों को कुछ दिखाया जा रहा था, लीड जनरेशन में लोगों को अगर चीज पसंद आई तो उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, और क्लिक करने से आपको पता चल गया फला आदमी मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। जैसे राज भैया ने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में एड चलाया, वो अवेयरनेस एड था कि आपको जागरूक किया कि एक फ्री वेबिनार होने वाला है, आप जुड़ सकते हैं, दैट्स प्योरली योर चॉइस एंड डिस्क्रिशन टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, आपका विवेक, आपका निर्णय, पर आपने उस लिंक पर क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो राज भैया को पता चल गया कि इस व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की जरूरत है या इस वेबिनार में जुड़ने की जरूरत है, तो राज भैया के पास या हमारे पास आपका वो नंबर आ गया, आपका नाम आ गया या आपकी ईमेल आईडी आ गई, दोनों में से कुछ भी कांटेक्ट करने का जो भी हमारे पास सोर्स आ गया, आपकी लीड जनरेट हो गई, आप हमारे लिए लीड बन गए। अब लीड का मतलब है संभावित ग्राहक, रुचि यानी इंटरेस्टेड कस्टमर, जिस कस्टमर इंटरेस्ट जनरेट कर दिया वो कस्टमर।
तो दूसरे स्टेप में हम यहाँ इंटरेस्टेड कस्टमर्स का डेटा आ जाता है, जैसे 894 लोगों ने लिंक क्लिक किया। अब इसमें मेरा सिस्टम कहीं पकड़ रहा है कि उन लोगों ने लिंक क्लिक किया, उनके नंबर्स कहाँ हैं। अगर मैं यहाँ एक फॉर्म लगा देता हूँ तो उनके नंबर्स भी यहाँ मिल सकते हैं, फोन नंबर भी उनके मिल जाएंगे। जब उनके फोन नंबर मिल जाएंगे तो अब उस 5 अरब की दुनिया में से जो सोशल मीडिया पर थी, उसमें से हमें 894 लोग मिल गए जिनके फोन नंबर भी आ गए, उनके नाम भी आ गए, और हमें पता चल गया कि ये लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इतनी आसान बात है कि 894 लोग मुझे मिल जाएं, उनके फोन नंबर मिल जाएं, तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात हो जाए। अब ये पूरा प्रोसेस जो सेकंड स्टेप था वो लीड जनरेशन कहलाया। लीड जनरेशन आई थिंक सबको क्लियर समझ में आया हो तो मुझे यस लिख दें, जिनको नहीं आया हो प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स। ग्रीस गुप्ता जी, प्रोस्पेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावित ग्राहक जिसको आपने एड दिखाया, बट अगर उधर से किसी ने जिसको एड दिखाया वो प्रोस्पेक्ट है, अंग्रेजी में उसे प्रोस्पेक्ट कहेंगे, हिंदी में संभावित ग्राहक कहेंगे, जिसने उधर से आपको रिप्लाई कर दिया वो आपका लीड बन गया। तो यहां से जिन जिन लोगों ने यस कर दिया उन सबका धन्यवाद, मुझे नो किसी का नहीं आ रहा। इसका मतलब आप शर्मा रहे नो कहने में, आप लिख सकते हैं, प्लीज डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं, आप नो भी लिख सकते हैं। यू तो लीड जनरेशन में मैंने उन इंटरेस्टेड लोगों के फोन नंबर कहीं यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिए, सेव कर लिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। मेरे इस व्हाट्सएप में यही जो एड चल रही थी, उस एड ने यहाँ लेबल्स लिए, मैं उनके अलग अलग लेबल्स मैं उन्हें रख रहा हूँ। आप देखेंगे एआई बेस्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यहाँ से छह, कितने लोगों ने, 6 लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया। तो मैंने इनको अलग नोट कर लिया कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो कर दिया। आज मेरे पास जो कैंपेन मैंने दिखाई थी वो एआई टूल्स वाली जो कैंपेन चल रही है उसमें ये आज के 23 लोग हैं। 23 लोगों में से आप देखेंगे इनका क्या ऐड आया, उस वहां से लिख के आया है, मेरे पास डायरेक्ट लिख के आया, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर। अब मैं इस आदमी को पहले नहीं जानता था, इसका नाम भी मैंने आज ही सेव किया है, वो व्हाट्सएप ने डायरेक्ट नाम दिया था तो मैंने वो नाम सेव किया, ऑटोमेटिक वहां से आया। हमने कहा वेलकम, प्लीज लेट्स नो विच वन टूल यू रिक्वायर। अब ये वो हमें जवाब देंगे। अब हमारा इनके साथ संपर्क स्थापित हो गया, अब आपस में बातचीत चलती रहेगी। तो ये वहीं से निकल के आया मेरे पास, उस व्यक्ति ने एक एड देखा अवेयरनेस का और उस पर क्लिक करके यहां दे दिया, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर। तो यहां से ये सब लोग, जितने जितने लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो करके और यहां पर ये रिकॉर्ड हो गया, उनका डेटा रिकॉर्ड हो गया। हमारे पास कस्टमर्स निकल के आ गए कि भाई इतने इंटरेस्टेड लोग हैं। इन इंटरेस्टेड लोगों के साथ अब हमारा तीसरा स्टेप है, एंगेजमेंट शुरू की हमने। तीसरा स्टेप है एंगेजमेंट शुरू की। एंगेजमेंट का मतलब अब इनके साथ हेलो, हाय, नमस्ते, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीफोन कॉल और इनको ऑफर, अब जाते रहेंगे। क्योंकि अभी तक मैं नहीं जानता था कि ये दुनिया में किसको मेरे प्रोडक्ट की और जरूरत है। अब इन्होंने उधर से अपना इंटरेस्ट शो करके मुझे अपना नंबर भेज दिया, तो अब हमें ये पता चल गया कि इन्हें जरूरत है और इनका फोन नंबर ये है, इनका ईमेल आईडी ये है, इनका नाम ये है। अब यहां से हम इनके साथ संपर्क बढ़ाते जाएंगे। कल इनको एक मैसेज जाएगा, 2 दिन बाद फिर जाएगा। तो जब तक ये प्रोडक्ट परचेज ना कर ले या ये नो ना कह दे कि नहीं चाहिए हमें, गलती हो गई थी जी, तब तक ये एआई वाला सिस्टम इनके पीछे लग जाए, एआई की टूल से, या आप मैनुअल से, एआई से करते हो बहुत अच्छी बात है, आपका समय बचेगा, मैनुअल करते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास लीड्स कम है आप मैनुअल कर सकते हो, लीड्स ज्यादा है
तो आप ऑटोमेशन पे चले जाओ जिसमें एआई यूज होगा, ऑटो रिप्लाइंग होगी, तो एंगेजमेंट इन लोगों के साथ चलता रहेगा और देर सवेर ये लोग आपके कस्टमर बनेंगे। चौथे चरण में एक दिन इनकी जेब से धन निकलेगा और वो आपको एनर्जी एक्सचेंज देंगे और आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, आपके कस्टमर बनेंगे और फिर आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। ये चार कदम जो मार्केटिंग फनल बनाने के हैं, इन चारों कदमों में अधिकतर जगह एआई का उपयोग होना शुरू हो गया है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाया, ये कॉन्सेप्ट समझना आसान है, जब इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग के लोग नहीं हैं, हम ऑकल्ट साइंस करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई टेरेट कार्ड रीडर है, कोई वास्तु करता है, कोई न्यूमरोलॉजी करता है, तो हम अलग अलग फील्ड के लोग हैं, पर जो भी हम करते हैं अगर हम उसे बेच नहीं सकते, बेच नहीं पाते, बेचने में पीछे हैं, तो आप कुछ भी करें आप पॉपुलैरिटी नहीं ले पाएंगे, आप चमक नहीं पाएंगे, आप अपना ज्ञान समाज को वापस अच्छी तरह से ज्यादा लोगों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जा जा के इतने लोगों को देंगे और ऑनलाइन आज आप पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़े हैं और हम ये सब बड़ी आसानी से सीख रहे हैं। इसमें एआई क्या मदद कर सकता है वो हम सीखें, उससे पहले आई वुड लाइक टू हैव योर क्वेश्चंस प्लीज, इन केस यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट विच आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ यू। जी कुछ भी समझ नहीं आता, सरिता जी ने लिखा। बिल्कुल सरिता जी, आपके माइक्स ऑन करने की परमिशन है आपको, 3 मिनट हम इस क्यू एंड ए पे लगाएंगे, जिसमें प्रनाद कदम जी ने हैंड रेज किया है। प्रनाद जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो हेलो सर, एंड मेरे को एक सवाल था कि जैसे कि आपने अभी बोला कि हम लोग एड्स वगैरह कर सकते हैं जिससे हमारे पास लोगों का डेटा आ जाएगा, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग हार्मफुल नहीं होगा क्या? कि बहुत सारे स्कैमर्स जस्ट मार्केटिंग का यूज करके फिर लोगों का बहुत सारा डेटा, जैसे कि आपके पास अभी जस्ट बहुत सारे लोगों का फोन नंबर आ गए, ईमेल आए गए वैसे वगैरह, तो फिर ऐसे से बच कैसे सकते हैं? सो पर बचना इट क्यों, फॉर बचना तो गलत आदमी स्कैम्स वगैरह हो सकता है ना अभी? नहीं, पैसा आप होगा जागरूक आदमी हम का स्कैम बहुत कम होता है। जैसे मैं एक इंटेंशन है, मैं और राज भैया आप तक पहुंच रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं, आपने इंटरेस्ट शो कर दिया, आपका नंबर आ गया, फोन आ गया, अब मैं आपके नंबर या ईमेल आईडी से आपके खाते में से पैसे नहीं निकाल सकता जब तक कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें ना कहूं जिससे आप मुझे पर्सनल अपना डेटा दे दें। सिर्फ एक फोन नंबर चला जाना या ईमेल चले जाने से किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। जब तक हम कोई ओटीपी किसी को नहीं देते, कोई पासवर्ड्स नहीं देते, तब तक नहीं हो सकता। हमने अपनी इच्छा से डेटा दिया है यहाँ, तो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ उस डेटा से ही होगा। बट इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो दूसरा एस्पेक्ट हो गया उसका पूरा। जब तक आप उनको कुछ नहीं देंगे इसके अलावा, तब तक आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। आई थिंक आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। यस, थैंक यू थैंक यू। यस शौर्या, यस प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करा था तो उसके लिए पेजेस बनाने पड़ते हैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, एब्सोल्युटली, एक पेज बनाना पड़ता तो उसके कैसे वो करते हैं? है। वो मैं बताऊंगा आपको भी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका जी। नेक्स्ट किसी और का क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेलो भैया, सुनो भैया, यूट्यूब की वीडियो कैसे बनाते हैं वो बताओगे आप? हाँ बहन जी, हम धीरे धीरे चलेंगे। ये जो स्टेप मैंने बताया, इसमें नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो। हाँ भैया, मेरे को टेलीग्राम से भी जुड़ना नहीं आता, वो भी बता सकते हो आप? मेरी बहन, आज मैंने जो अभी बताया है उसको टेलीग्राम समझाऊंगा तब हम चलेंगे कहीं। आज मैंने जो अभी समझाया उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो। बाकी जो यूट्यूब फेसबुक कोई प्रश्न है, आप मेरा नंबर ले लेना राज भैया से, आप मेरे को अलग से पूछ सकते हैं। जी हाँ भैया भैया, आप अपना नंबर ग्रुप में डाल दो ना, मेरे को पूछना है, यूट्यूब की वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है। ठीक है।
आप अपना नाम भी लिखना भैया, हाँ नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। राजवीय डाल देंगे उसमें, राजवीय। ठीक है, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हम सबको समझ में आया, पर मैंने अभी एआई नहीं बताया, वो अभी हथियार छुपा हुआ है। अब हम एआई की तरफ बढ़ते, तो आप सब मेरे साथ एआई की यात्रा पर चल पड़ो। किसी ने कहा पेमेंट गेटवे का बता दीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। आई वांट टू लर्न हाउ टू मैनेज लीड्स एंड कन्वर्ट इन व्हाट्सएप, सुरुचि मलिक। वाओ, तो आपके अलग अलग टॉपिक्स आप ग्रुप में लिख दो, बेटर है। मैं इनके जवाब आपको ग्रुप में देता चलूं, क्योंकि आज समय कम है, तो मैं टॉपिक पे रहना चाहूंगा ताकि आप सब लोगों को एआई का वो बातें पता चले जो एआई करिश्मे कर सकती है। तो सबसे पहला काम एआई क्या कर सकती है आपका, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, वास्तु भी करते हैं, टैरोट कार्ड भी करते हैं, और भी मृगनंदी भी करते हैं। तो एक एक आदमी हम में से कई कई काम करता है। एम आई राइट, यस और नो लिख दो। यस दैट्स राइट। अब इस कई कई काम में से हमें ये नहीं पता चलता कि मेरा सबसे अच्छा काम कौन सा, जिसको पकड़ के मुझे आगे जाना चाहिए। हमारी एनर्जी इधर उधर बिखर जाती है, तो मुझे अपना गोल प्लान नहीं पता, मेरा को अपना उद्देश्य क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जिसको अपना उद्देश्य लक्ष्य क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उनकी ऊर्जाएं, समय और धन बिखरता रहता है, और लक्ष्य प्राप्त करने में उनको मुश्किल होती है। तो लक्ष्य प्राप्त तो जब करें जब हमें लक्ष्य पूरा क्लियर पता हो। तो एआई मदद करता है हमारा लक्ष्य को बताने में। एआई के टूल हैं परप्लेक्सिटी एआई, कॉपी एआई, चैट जीपीटी, जैमिनी, विंग। ये चार पांच टूल लिख लो, इनमें से कोई भी एक टूल यूज करोगे तो आपको आपका गोल डिसाइड करने में वो मदद कर देता है। तो यहां से आप कैसे गोल डिसाइड करेंगे, बी विद मी, एआई का पहला काम शुरू होता है। सो आई एम गोइंग विद द अ टूल दैट इज जेमिनी। जेमिनी इज फ्रॉम गूगल। आप में से किसी एक का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। मान लिए अमरजीत गोगना जी, तो यहां इसको समझा दो, माई नेम इज अमरजीत गोगना। माफ करना अगर कोई स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए। आम एन एस्ट्रोलॉजर, आई वॉन्ट टू ग्रो इन एस्ट्रोलॉजी बट आई एम नॉट क्लियर फॉर माई गोल, सो राइट माई गोल प्लान। आई हैव आइडिया दैट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स आई कैन वर्क 4 आवर्स अ डे। सजेस्ट मी हाउ मेनी कस्टमर्स शुड आई 4 आवर्स अ डे एंड जनरली वन क्लाइंट टेक्स 30 मिनट्स ऑफ मी। सजेस्ट मी हाउ मेनी कस्टमर्स शुड आई टारगेट एंड वॉट शुड बी माई गोल एंड गोल प्लान। आपने एआई को अपने मन की दुविधा समझा दी। मेरा नाम ये है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे पास 4 घंटे काम करने, अगले 10 साल काम करने मुझे, तो मुझे मेरा गोल प्लान समझा दे। ठीक है, अब उसने यहां पर आपको कहा कि भाई आप यहाँ कुछ और चीजें भी निकाल के दो। आपके 780 क्लाइंट हुए, वीकली टोटल 15 क्लाइंट आप कर सकते हो। 780 क्लाइंट हुए, ये देखो आपके ऑफर्स, ऑर्डर कैलकुलेशन, एडिशनल सर्विसेज, गोल प्लान के लिए पूरे साल का गोल प्लान उसने करके दे दिया आपको। 2 से 5 साल के लिए उसने आपको टिप्स दे दी, 6 से 10 साल के लिए उसने टिप्स दे दी। आपको बहुत कुछ क्लैरिटी के साथ यहाँ ला दिया। यही बात आप इसको वापस रिराइट दिस विद अ फिक्स्ड
द टारगेटेड नंबर ऑफ क्लाइंटेल ईयर वाइज फॉर मी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। लो जी, 10 साल के लिए वो यहाँ आपके, ये लोग पहले साल में 3 क्लाइंट एक दिन में 1.5 घंटे, 15 क्लाइंट एक हफ्ते में, 600 क्लाइंट पहले साल में, ये लो जी, अगले साल में 800, उसके अगले वर्षों में 1,000, फिर उसके बाद देखो अपने आप बताता चल रहा है। इतने क्लाइंट आप, अगर इतना समय है, इतने समय में इतने क्लाइंट पकड़ सकते हो। अब इतने क्लाइंट में आप इसको पूछो, देखो सजेस्ट मी हाउ मेनी पीपल आई शुड टारगेट एट सोशल मीडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस एवरी मंथ। मुझे हर महीने कितने लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए इतने कस्टमर लेने के लिए। अब आपको ये भी बता देगा कि आप कितने कस्टमर्स को कहाँ कहाँ, ये देखो एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पे जाओ, ट्विटर पे जाओ और रियलिस्टिक ऑडियंस ढूंढो आप। ये आप यहाँ देखें, हियर इज पॉसिबल अप्रोच फॉर मंथली टारगेट। पहले महीने से तीसरे महीने में हाई क्वालिटी प्रोफाइल बनाओ और कंटेंट रखो। 100 से 200 एंगेज्ड फॉलोअर्स पर मंथ अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स पर, एंगेज्ड फॉलोअर्स आपके पास इतने होने चाहिए। फिर आप 4 से 6 मंथ में इतने एंगेज्ड फॉलोअर्स आपके पास आने चाहिए। उसने यहाँ आपको एक टेंटेटिव आइडिया दिया, तो आप अभी तक जो दिमाग में लेके बैठे थे उसको वर्ड्स में लिख के दे रहा है ना कमाल की चीज। तो आपको अपना गोल प्लान आ गया। सजेस्ट मी द प्लेटफॉर्म्स टू रन माय एडवर्टिजमेंट कैंपेन्स। मेरा गोल बता, गोल को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ जाऊं वो भी बता। ये लो जी, उसने कहा आंख बंद करके आप इंस्टाग्राम पर चले जाओ, और सेकंड पर उसने ट्विटर दिया, थर्ड पर उसने फेसबुक दिया, और चौथे पर उसने यूट्यूब दिया। आप इन 4 चैनल्स पर जाकर अपनी मार्केटिंग शुरू कर दो। आपको आइडिया आ गया। मार्केटिंग में भी क्या करना है, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, क्राफ्ट कंपेलिंग एड कॉपी, टारगेट योर एड्स केयरफुली एंड देन ट्रैक एंड एनालाइज योर रिजल्ट्स। अगर आपको चाहिए कि हिंदी में, मुझे इंग्लिश नहीं आती, राइट दिस इन हिंदी लैंग्वेज, ये लो जी, दिस विल राइट इन हिंदी, है ना कमाल, इजंट दैट मैजिक। पूरा का पूरा हिंदी में लिख देगा, इजंट दैट मैजिक। इन केस यू थिंक दिस इज मैजिक, सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ये एआई का कमाल है। यस, तो यहां से हमने क्या किया, एक गोल सेट करने के लिए एआई का हमने योग किया। रिसर्च एंड रिफाइन योर वर्क नीच, क्या काम करते हो, 4-5 काम करते हैं हम। अब 4-5 काम में से एआई को पूछो, मैं दूसरा टूल यूज करता हूं, किसी भी टूल को यूज कर सकते हो। माई नेम इज, अभी किसका नाम लिया जाए, अनीता कवाले। माई नेम इज अनीता कवाले। हाँ, मैंने हाँ न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई डू प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी, टैरट कार्ड रीडिंग एंड वास्तु। आई एम नॉट क्लियर विच टॉपिक इज मोर प्रिविलेंट एंड डिमांडिंग इन द मार्केट,
सजेस्ट मी विच वन शुड आई चूज एज द फर्स्ट टॉपिक टू प्रमोट एंड गेट मोर बिजनेस। स्नेहा जी, चार चीजों पे आप निर्णय लो। सजेस्ट ए बेस्ड अपॉन मार्केट ट्रेंड विच वन टॉपिक इज मोर डिमांडिंग इन इंडिया लो जी, उसने कहा एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा पकड़ लो, टेंड्स टू बी अ हाईली डिमांडिंग फील्ड विद अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। मेनी पीपल इन इंडिया कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स फॉर गाइडेंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट फॉर देयर लाइफ सच एज करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। वो कहता करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, इन तीन को पकड़ के जाओगे तो, और उसने थोड़ा रिफाइन कर दिया। तो यहां से उसने हमें डिसीजन दे दिया कि आप इसको करो सारा, पर अगर चार चीजें कर रहे हो तो उसमें से इसको पकड़ के आगे जाओ, तो हमारी नीच डिफाइन हो गई। दूसरा काम है ना, कमाल की चीज। तीसरी चीज, एआई को पूछा हमने आइडेंटिफाई योर ऑडियंस टू टारगेट। वाह, यानी अब मैं अगर एस्ट्रोलॉजी करूं तो मैं किसको टारगेट करूं, कौन से लोग होंगे जिनको मैं टारगेट करूं, तो इसको पूछ लो। राइट द राइट ऑडियंस टू टारगेट इफ द कैटेगरीज प्रोफेशंस प्रोफेशंस एज जेंडर डेमोग्राफी इंटरेस्ट एंड बिहेवियर टू आइडेंटिफाई वेल द टारगेट ऑडियंस टारगेट ऑडियंस। लो जी, दो लाइन लिखी है मैंने, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? उसने कहा जी आपको मार्केटिंग करनी है ना एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे आप। आप एस्ट्रोलॉजी के लिए कैटेगरीज प्रोफेशंस प्रोफेशनल सीकिंग करियर गाइडेंस, ऐसे लोग जो करियर गाइडेंस चाहते हो या करियर एडवांसमेंट चाहते हो, इंडिविजुअल्स फेसिंग रिलेशनशिप चैलेंजेस और सीकिंग मैरिज कंपेटिबिलिटी, स्टूडेंट्स सीकिंग गाइडेंस रिगार्डिंग एजुकेशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स लुकिंग फॉर इनसाइट्स इनटू देयर वेंचर्स, इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग हेल्थ इश्यू एंड सीकिंग रेमेडीज। किस एज के लिए लोग होंगे? यंग अडल्ट 18 से 35, तो 18 से नीचे को बिल्कुल टारगेट नहीं करें, 18 से नीचे वाले की जेब में पैसा नहीं होता इसलिए नहीं बताएगा कि आपसे सलाह लेने आएगा नहीं। मिडिल एज 36 to 55, इनको क्या चाहिए? करियर फैमिली एंड पर्सनल ग्रोथ, इनको ये तीन टॉपिक के लिए एस्ट्रोलॉजी चाहिए। 18 से 35 को इन टॉपिक्स के लिए एस्ट्रोलॉजी चाहिए, एंड 55 प्लस को इनकी लाइफ चॉइसेस सीकिंग विजडम एंड गाइडेंस फॉर रिटायरमेंट, यहाँ पर उनको चाहिए। बोथ मैन एंड वुमेन एज एस्ट्रोलॉजी अपील्स टू इंडिविजुअल्स अक्रॉस जेंडर्स, दोनों लोगों को चाहिए। डेमोग्राफी कहाँ चाहिए? अर्बन एरियाज में ज्यादा चाहिए, रूरल में कम चाहिए, तो टारगेट करो अर्बन एरियाज को ज्यादा, शहरों को टारगेट करो। इंटरेस्ट, जिनकी स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिस्कवरी इंटरेस्ट है उस तरफ जाओ। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले लोग हैं उस तरफ जाओ। कल्चरल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वाले लोग हैं वो आपको आपकी सर्विसेज लेंगे। बिहेवियर, ऐसे लोग जो अपने बिहेवियर में सीकिंग गाइडेंस ड्यूरिंग लाइफ ट्रांजिशंस, जब भी उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आता है तो दूसरों की सलाह लेते हैं, ऐसे लोग। शादी हो, करियर शिफ्ट हो, चाइल्ड बर्थ हो, रिलोकेशन हो,
ऐसे लोग आपसे पूछेंगे, ये उनका व्यवहार है। यही बात उठा के अगर आप फेसबुक को इंस्टाग्राम को समझाओगे कि ऐसे लोग मुझे ढूंढ के दे दे, वो ढूंढ के दे देगा। कोई ना प्रॉब्लम सॉल्व, कितनी चीजें सॉल्व हुई हमारी। तो टारगेट ऑडियंस हमने एआई की मदद से ढूंढ लिया। अब क्रिएटर कंटेंट इन कैंपेन्स, अब क्या चाहिए? अब तो हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, किन लोगों को बेचना है, किन लोगों को हमारी जरूरत है, किस उम्र के होंगे, कहाँ रहते होंगे। अब इसने अर्बन एरियाज बता दिए। अभी इसको ये भी पूछ लो, राइट द नेम्स ऑफ द सिटीज इन इंडिया वेयर आई शुड स्टार्ट प्रमोटिंग माई सर्विसेज ऑनलाइन एट सोशल मीडिया। लिख दे वही शहरों के नाम बता दे। ये लो जी, बोला जी कहीं भी बेचो पर पहले इनको टारगेट कर लो, इन शहरों में ज्यादा खरीदते हैं लोग, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़। वो कहता बाकी दूसरी शहरों को फिर दूसरे स्टेप में लेना। तो हमें ये भी पता चल गया हाउ सिंपल आर लाइफ एंड वर्क मेड विद द हेल्प ऑफ दिस एआई। एआई ने जीवन को आसान बनाना शुरू किया, काम को आसान बनाना शुरू किया। अब क्या चाहिए? अब तो कंटेंट और कैंपेन्स क्रिएट करने। कंटेंट और कैंपेन्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल, उन टूल्स पर जाना है जहां पर कंटेंट क्रिएट होते हो। कंटेंट क्या क्रिएट करना है? अब इसको इसी को पूछ लो, सजेस्ट मी या राइट द बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एड कॉपी फॉर माई फर्स्ट कैंपेन टू रन एट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर। मुझे एड कॉपी बनानी है, तो राइट प्राइमरी टेक्स्ट और प्राइमरी टेक्स्ट हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन विद इमोशंस, ये लिख दो। और अभी आपका एड बना देगा ये लोग। और ये फ्री का टूल है, ये इतने सारे फ्री टूल हैं, आपकी एड कॉपी बना दी उसने। हाउ सिंपल दिस इज। प्राइमरी टेक्स्ट बना दी। अनलॉक द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर विद आर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स। वेन एवर यू आर सीकिंग क्लैरिटी ऑन लव, करियर और पर्सनल ग्रोथ, आर पर्सनलाइज कंसल्टेशन विल इल्यूमिनेट द पाथ। प्राइमरी टेक्स्ट दो बना दिए, डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको को रीराइट दिस इंक्लूडिंग माई नेम। माई नेम इज अनीता। आई एम एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर विद द 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन माई करियर सो फार। आई हैव सर्व मोर देन 5,000 पीपल एंड रिसर्च 3,000+। इसको क्या बोलते हैं जन्म पत्री को इंग्लिश में? कोई बताएगा जल्दी से? हॉरोस्कोप यस, दैट्स ग्रेट। हॉरोस्कोप्स, ये लो जी, आप इसको एड्रेस बता दो, वो एड्रेस भी लिख देगा आपके एड में, आपकी शान में कसीदे भी पढ़ देगा। ये लो, अनलॉक योर डेस्टिनी विद, उसने क्या लिखा देखो, आपके नाम के साथ लिखा है कुछ। अनलॉक योर डेस्टिनी विद अनीता कवालीज एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स। डाइव डीप इन टू आर फ्यूचर, योर फ्यूचर एंड पर्सनल एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फ्रॉम अनिता कवाल, सीजन एक्सपर्ट विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस।
Having guided over 5,000 individuals and researched 3,000 plus horoscopes, Anita brings unparalleled wisdom to her consultations. Whether you seek clarity on love, career, or personal growth, trust Anita to illuminate your path to success and fulfillment. Take control of your destiny today. और उसने हैशटैग्स भी लिख दिए, हैशटैग्स भी लिख दिए, डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। आपका पूरा एड कॉपी तैयार हो गया। इस एड को उठा के फेसबुक पर ले जाओ, आपका एड बन गया, कैंपेन चलनी शुरू हो गई, किसको दिखाना है वो भी चलना शुरू हो गया, वो भी उसने बता दिया। अब क्या चाहिए? फोटो बनाना रह गया, फोटो बनाना रह गया तो फोटो बना लो। फोटो बनाना कितना सिंपल है, आप कैनवा पर चले जाओ, कैनवा को कहो मुझे एक फोटो बना के दे दे ऐसा, वो उसका फोटो बना के दे देगा। हाउ सिंपल दिस इज। अभी हम कैनवा पर चलते हैं। कैनवा पर जाओ आप, और कैनवा को मैजिक स्टूडियो है, यहाँ इमेज खुद बना देता है। मैजिक डिजाइन्स आप ले लो इससे, या आप इससे इसे कहो फोटो बना के दे दे, टेक्स्ट टू इमेज बना देगा AI। या तो बनी हुई फोटो ले लो, दो तरीके हैं उससे, ये तो AI वाला ओपन कर रहा है, और दूसरा बनी हुई फोटो ले सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपने एक साइज डिसाइड किया, इसको बता दो। माय नेम इज अनीता वाले, क्रिएट वन इमेज ऑफ एन इंडियन फैमिली विद हस्बैंड वाइफ एंड टू किड्स विद स्माइल्स ऑन देयर फेस एंड इन बैकग्राउंड पुट एलिमेंट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। दिस इमेज शुड बी वायरल प्रोन फॉर प्रमोशन। मैंने उसे कुछ लिख के दिया, देखें क्या लिख के लाता है। ये कुछ फोटो बना देगा, जब तक ये बनाता है 1 सेकंड, तब तक मैं आपको बने हुए फोटो से यहां जाकर आप ऊपर जाइए। ऊपर जाने के बाद गो टू सोशल मीडिया, सिंपल 2 कदम लिए बस। जाने के बाद यहाँ बने हुए पड़े हैं टेम्पलेट्स, आप उनमें से कोई चूज कर लो। दैट सिंपल। यहाँ टाइप करो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई। कोई भी फोटो जो आपको लगता हो आपकी एडवर्टिजमेंट के लिए शूट बैठता है, उस फोटो को आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ इस लड़की का फोटो बदला जा सकता है, आपका नाम बदला जा सकता है, ये आपका कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। ये एस्ट्रोलॉजी के इतने सारे फोटोग्राफ्स और आ गए, इनमें से किसी को भी लेके और आपका पोस्टर बन गया। सो सिंपल, हार्डली 3 मिनट में पोस्टर बाहर आ जाएगा। AI से मैंने यहाँ लिखवाया, ये देखो आप, उसने ये एक इमेज आपके लिए बना दी उसने, एक फैमिली की इमेज प्योरली आपके लिए। इसके इर्द गिर्द आप कुछ और लिख दो। उसने आपका नाम लिखने की कोशिश की, आप यहां से कुछ और लिख सकते हैं ऊपर नीचे, और ये आपकी फोटो बन गई। और इसका कोई कॉपीराइट नहीं, दुनिया में कोई कॉपीराइट नहीं है। पीछे एस्ट्रोलॉजी आ गया, आगे मुस्कराते 4 बच्चे फैमिली आ गई। यहाँ आप अपने एडवर्टाइजमेंट टाइप कर दो, एड बन गया, कॉपी लिख गई, उसको आप एड को रन कर देंगे। है ना कमाल की बात?
अगर आपको लगता हो, देखो इमेज बनाना कितना आसान है, ऐसे ही आपको अगर वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना बड़ा आसान है। वीडियो बनाने के लिए भी यही इसी को बोल दो। अगर आपको वीडियो ऐड चलाना है, म्यूजिक स्टूडियो बजाओ और इसको कहो टेक्स्ट टू वीडियो, इसको अपनी बात लिख दो और ये वीडियो बना के देगा आपको। यहां से आपने दिया क्रिएट अ प्रोमो वीडियो टू प्रमोट माय एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज, माय नेम इज अनीता कवाले, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 30 years in astrology and researched 3,000+ horoscopes. जनरेट वीडियो पर क्लिक किया, अगले 1 मिनट में वीडियो बना के दे देगा, है ना सिंपल। तो हमने वीडियो बना लिया, बनाने के बाद अब हम एआई पे गए, वीडियो आ जाएगा यहां से, पोस्टर यहां से बन गया। मान लिया ये पोस्टर ही मैंने यहाँ से डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करना कितना आसान है, जस्ट गो एंड क्लिक इट, शेयर पर क्लिक करेंगे, वीडियो डाउनलोड होगा 1 मिनट। शेयर पर क्लिक किया, डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया, वीडियो बनेगा तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा आपका। अभी वीडियो बन रहा है, यहाँ से ये इमेज डाउनलोड करनी है, इसको डाउनलोड कर दो, इसमें जो लिखना है आप लिख सकते हो। मैं तो बिना लिखे अभी डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचे आपका। यहाँ से इसके 2 पेज हैं तो मैं 1 पेज डाउनलोड करूंगा, इस डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद सीधे आप फेसबुक पे निकल जाएं। फेसबुक पे आजकल फेसबुक इतना आसान हो गया, पहले बहुत कुछ खोलना पड़ता था, अभी कुछ नहीं खोलना पड़ता। जाओ सीधे क्लिक करो, एड्स मैनेजर पे जाओ, वो सारे झंझट आजकल खत्म है, डायरेक्ट बाईपास लो। जाने के बाद अपना जो कंटेंट एआई से लिखा उसको दे दो और आपका एड रेडी। ये देखो ये कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स मेरे चल रहे हैं, यहाँ कितने इंप्रेशंस हैं लोगों के, 38,000 लोगों ने ऐड देखा है। यहाँ से नया ऐड बनाओ, ये नया ऐड आप इसे बता दो कि मुझे अवेयरनेस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, लीड चाहिए, जो चाहिए, जिस उद्देश्य को, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य के लिए आपने ऐड चलाया। और यहाँ से धीरे धीरे ये चीजें आपसे पूछता जाएगा, आप इसको चीजें देते जाओ, लास्ट में आपसे पूछेगा मुझे ऐड दे दो बना के, फिर आप यहाँ पर वो अपना फोटो अपलोड कर देना। और वो जो टेक्स्ट बनाया था आपने, ये देखो कह रहा है सिंगल वीडियो देना है या सिंगल फोटो देनी है। हम कह रहे हैं भाई सिंगल फोटो देनी है, सिंगल फोटो देनी है, तो वो कहेगा दे दो, तो हमने कहा ये लो, हमने अभी बनाया था, उसको लाके यहाँ दे देंगे। इसको अपलोड किया, अभी कंप्यूटर में था, अभी हम उसे फेसबुक को दे देंगे। कहाँ गया, अभी आया नहीं। यहाँ उसने कहा मैं कहाँ सेव करूँ उसे, तो डाउनलोड में ही सेव कर दो। अब हम उसे उठाएंगे डाउनलोड में, पड़ा मिलेगा, ये आ गया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये हमारे फेसबुक में अपलोड हो गया। अभी तक हमने एआई से कंटेंट बनाया और उस कंटेंट को अब हम फेसबुक को देंगे, जहां पर एआई यूज करके उसे उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं देखो जी आप फेसबुक में ये ऐसा दिखाई देगा, अगर आपको रील्स में ले जाना है तो इसका अलग से थोड़ा बनाना पड़ेगा डिजाइन, कोई बात नहीं हम उसको थोड़ा और ठीक कर देंगे। यहाँ वो कहता है यहाँ भी थोड़ा ठीक है, इसमें आगे गए, फोटो लग गया, फोटो लगने के बाद
अब वो बता रहा है मुझे कहाँ कहाँ दिखाना है, फेसबुक पर सब जगह दिखा देगा। यहाँ से अब टेक्स्ट ऑप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ लिख देंगे, प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ था, अभी हमने लिखवाया था इससे, प्राइमरी टेक्स्ट को ये रहा, इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर देंगे और हमारा एड बन गया। इसको यहां देखो आ गया ऐड के ऊपर, ये आपका ऐड ऐसा दिखाई देगा इधर। इसके नीचे यहां पर टेक्स्ट ऑप्शन और ऐड करना है तो यहां आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। चैट विद अस लिख के आ रहा है, इसकी जगह आप और कुछ लिख दें, कॉन्टेक्ट अस लिख दिया आपने तो वहां कॉन्टेक्ट अस लिख के आ जाएगा। अब सिंपल, यहां से कुछ और ऑप्शंस लेने हैं आपको, कॉल टू एक्शन यानी वो लोग कहाँ जाएंगे, ऑर्डर नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, साइन अप, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस क्लिक कर दिया तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस का बटन बन जाएगा। फेसबुक पर ये अननोन भीड़ को दिखाई देगा, कौन से पेज में चलाना है, कहाँ इसकी ऐड जाएगी, पब्लिश पर क्लिक करेंगे और आपका ये पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले की एक इम्पोर्टेंट बात थी, वो ये थी कि यहाँ आपने अपना अवेयरनेस एड जो चलाया वो किन लोगों को दिखाई देगा, वो एआई यहाँ पर आपकी मदद करेगा। वो कहता है ये देखिए जी 5 अरब लोग हैं हमारे पास, तो आप किन को दिखाना चाहते हो, तो कितना पैसा खर्च करोगे। हमने कहा भाई हम एक दिन में 200 रुपये खर्च करेंगे, 14 तारीख से हमारा ऐड चलना शुरू हो जाएगा, किन लोगों को ऐड दिखाई देगा वो। यहाँ से वो कहता है बताओ जी किन लोगों को दिखाएं, इंडिया में दिखाएं आप कि दुनिया में दिखाएं। हम कहेंगे इंडिया में नहीं भाई, हमें तो बस मुंबई में दिखाओ, तो वो मुंबई में दिखाएगा, आपसे पैसे भी मुंबई के ही लेगा। वो कहता है मुंबई, ये मुंबई है और यहाँ मुंबई के लोगों को ले लेगा। अब कोलकाता के लो, बंगाल के लो, जहां के लें वहां के लोगों को ले लो, या फिर इसको ऑडियंस सजेशंस। वो कहता है मैं एआई लगा के अपने आप दिखा दूं, ऑटोमेटिक मैं एआई लगा के कि कहाँ आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, किन लोगों को जरूरत है, वो लोग जो ऐसे ही आपके जैसे लिंक क्लिक करते हैं वैसे ही लोगों को मैं आपका ऐड दिखा दूं अपनी तरफ से, आप निश्चिंत हो जाओ। तो यहाँ एआई आपकी वही ऐड दिखाएगा जहां पर आपकी ऐड से संबंधित लोग ज्यादा होंगे, और उस तरह से एआई की मदद से आप दुनिया से जुड़ रहे हो और मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ रही। सिंपल, वीडियो बनाया तो भी वीडियो बन गया, यहाँ देखो उसने वीडियो बना के रेडी कर दिया होगा, ये लो जी एक वीडियो भी बना दिया उसने, जिसमें थोड़ी काट छांट करके ये इसका साइज आपको चेंज करना होगा, उसने कुछ वीडियो बना दिया है, इसमें और कुछ आपको चेंज चूंज करना है कर सकते हैं, 4 सेकंड का ही वीडियो उसने बना दिया। ऐसी और क्लिप्स डालनी है, जनरेटर नहीं पसंद आया, इसको और क्लैरिटी के साथ आप समझा दो वो और क्लैरिटी के साथ आपको बता देगा, 2-3 स्लाइड डाल दो आपका वीडियो बन जाएगा। तो इस तरह से आपको हार्डली थोड़ी सी मेहनत करनी है और उस मेहनत से आपके पास सब कुछ आ गया। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इनमें से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हैं। नाउ द टाइम इज फॉर योर क्वेश्चंस, मैं 2-3 मिनट आपके क्वेश्चंस लूंगा फिर आपको अगली बात समझाऊंगा। तो आज जो बात मैंने बताई इसमें टेक्निकल था बट इतना इजी था कि कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, ये कैसे हुआ कहाँ करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। मीनू अरोरा जी ने हैंड रेज किया है, सो यस So मैंने my question, yes sir. So my question is that I just wanted to ask, Canva, is it a paid or it will be just creating a video on its own, or
मीन्स लाइक कैन यू एक्सप्लेन इट अ बिट हाउ टू क्रिएट अ वीडियो एंड आई मीन एडवर्टाइज. इन केस यू आर गोइंग विद द फ्री वर्जन ऑफ द कैनवा, यू हैव टू डू लिटिल मोर एफर्ट्स, बट यू कैन क्रिएट राइट वीडियो एंड एवरीथिंग। आप थोड़े कैनवा में जो वीडियो बनाने का टूल है वो उनका कैनवा वालों का नहीं है, उन्होंने किसी और का लगा के इंटीग्रेट किया है, तो वो जो और है थोड़ा सा फ्री देता है, उसके बाद वो पैसे मांगता है। बट वीडियो बनाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनाने हैं तो कोई एक पेड एड पेड टूल आपको जरूर लेना चाहिए। जो फ्री एड में एक तो वाटरमार्क आता है फ्री वाले जो जो भी बनाएंगे, और आपको मशक्कत बहुत लगती है। तो आपका टाइम अगर कीमती, टाइम ज्यादा है आपके पास तो फ्री वालों से बनाओ, आपका टाइम कीमती है तो आप पेड टूल ले लो, कोई भी एक पेड टूल ले लें, कैनवा कैनवा के अलावा। अगर पेड के लिए जाना है तो मैं कैनवा के अलावा आपको सजेस्ट करूंगा, कोई और मैं बता दूंगा जिस पर आपको जाना चाहिए। सर हाउ मच इज टू बी पेड एंड विच वन इज द पेड वर्जन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेड एप्लीकेशन? हाँ, डिपेंड करता है मैम आप किस की वीडियो, अगर आप अपना कोर्स बनाना चाहते हैं तो टूल अलग चाहिए, अगर आपको इमेजेस से वीडियो बनाना है तो टूल अलग चाहिए, सिर्फ आपको प्रोमो वीडियोस ही बनाने हैं तो टूल अलग चाहिए। तो ये पूरी भरमार है ऑनलाइन में। आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे अगर लिख के डाल दें, चैट बॉक्स में डाल दें या मुझे ग्रुप में डाल दें, तो मैं आपको सटीक वही बात बताऊं जो आपके काम की हो। ऑल राइट, ओके फाइन, राइट सर, आई अंडरस्टूड ओके, और किसी के कोई क्वेश्चन है सर, प्लीज? थैंक यू सो मच सर. ओके वेलकम जी, मीनू अरोरा जी। भैया अपना फोन नंबर डालना ग्रुप में, हाँ हमसे बहुत बहुत आपको आपकी बहुत हेल्प चाहिए हमको. सर मेरा फोन नंबर ये है, बट मुझे आप व्हाट्सअप करना पहले, क्योंकि मैं सेशन ले रहा हूँ, कल डे टाइम में भी मेरे सेशंस हैं ऑफलाइन, तो शाम को मैं फ्री होऊंगा, शाम को आप मुझे रिंग कर सकते जी। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज। ये आई का फूल फब गया होगा. अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम अच्छा बुद्धि, आदमी के द्वारा बनाई गई बुद्धि। जब तक आपका अगला प्रश्न आता है, मेरे पास मुझे दो तीन चीजें और हैं जो मैं आपको शेयर कर दूं, और फिर उसके बाद हम आपके प्रश्नों की तरफ बढ़ते चलेंगे। इसके अभी तक हमने कॉन्सेप्चुअली देखा कि कैसे हम एआई की मदद से कैंपेन, एड, प्रमोशन, अपना एड बनाना, अब तक जो भी काम था वो सारा का सारा एआई ने कर दिया, या एआई ने हमारी बहुत मदद की। अब एआई इसको ऑटोमेट और एनालाइज एंड मॉनिटर भी करता है, वो खुद देखता रहता है कहाँ चीजें ठीक चल रही है और कहाँ गड़बड़ हो रही है, उसे ठीक कर सकता है। कैसे करता है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। उसके अलावा एआई क्या करता है, आपको जो कुछ लिखना हो, लिखवाना हो, कंटेंट राइटिंग एआई कर देता है, विजुअल्स डिजाइन कर देता है, फोटो बना देगा, इमेज बना देगा, आपकी तस्वीर से तस्वीर बना देगा, आपकी तस्वीर से वीडियो बना देगा, आपके लिए वेबसाइट डिजाइन कर देगा, आपके लिए कस्टमर टारगेटिंग कर देगा, आपको ऑटोमेट आपके लोगों को जवाब दे देगा। मेरा सिस्टम लोगों को ऑटोमेटिक जवाब देता है, वो भी एआई कर सकता है। तो ये किसी ने सवाल पूछा और आपको पता ही नहीं, आपकी मशीन ऑटोमेटिक जवाब दे रही है, ऐसा भी एआई करता है। और ऐसे कौन से टूल हैं एआई के जो इन कामों में आते हैं, इनको जरूर नोट करना प्लीज। चैट जीपीटी जो फ्री है, मिड जर्नी, इससे टेक्स्ट से इमेज बन जाती है, आपने उसको बात लिखी कि मुझे ऐसा एक फोटो चाहिए और वो ऐसा फोटो बना देता है, मिड जर्नी। बिड आईक्यू, ये वीडियो जनरेशन आइडियाज देता है आपको, इनफैक्ट इंस्टाग्राम के हैशटैग्स लिख देता है, forms.app फॉर्म्स एआई के साथ क्रिएट कर देता है, एक क्विल्ट बोल्ट है जो कंटेंट क्यूरेट करता है कि आपने कुछ लिखा उसको अच्छा कर देता है, दूसरा है ये कंटेंट एट स्केल, ये आपकी लिखी हुई चीज को अगर आपने कहीं से कोई चीज उठा ली, वो ये देखना है कि ये एआई से लिखी गई है या आदमी ने लिखी है, तो वो ये बता देता है लिखी किसने है। अगर आपने टेक्स्ट डाला और आपने आदमी की आवाज में उसे बदलवाया, तो वो भी ये कर सकता है बड़ी आसानी से। टेक्स्ट टू एआई आवाज करके एक टूल है,
जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो आप रुके रहिएगा, मैं एआई आवाज से आपकी शब्दों को आवाज में बदलने का तरीका बताता हूँ। तो वो आप करके शब्दों को आवाज में बदल सकते हैं, शब्दों को वीडियो में बदल सकते हैं, जिसके लिए इन वीडियो, वीड, कैनवा, फिल्मोरा बहुत सारे टूल हैं। किसी भी एक टूल को उपयोग में लेकर आप कर सकते हैं, चाहो तो इस स्क्रीन का फोटो भी ले सकते हो आप, यू आर अलाउड। इस तरह से हम एआई की मदद से अपने आप को मशहूर करने के लिए, हम अपनी प्रमोशंस करने के लिए, हम अपने को प्रसिद्ध करने के लिए, ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए, अपनी सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर बेचने के लिए एआई हमारी 70-80% मदद कर देता है। हम चाहे किसी भी उम्र के हो, कंप्यूटर थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा मोबाइल चलाना जानते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो हम बड़ी आसानी से एआई की मदद से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक पर कर सकते हैं, इंस्टा पर कर सकते हैं, लिंक्डइन पर कर सकते हैं, आप होस्टिंगर पर वेबसाइट बना सकते हो, 5 मिनट में वेबसाइट बन जाती है। गूगल पे आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर चैटबॉटिंग ऑटो रिप्लाइंग लगा सकते हो। इतनी सारी कार्रवाइयां हैं, आपको लगता होगा इतना सब कुछ कैसे सीखें। तो मैं इससे पहले कि आपकी आवाज टेक्स्ट टू वॉइस करके दिखाऊं, आप इतना, इतनी बातें, इतने टूल, इतनी क्रियाएं जो मैंने आपको दिखाई, इनमें से अधिकतर एआई कर देता है। आपको एआई को ऑपरेट करना आना चाहिए, एआई को चलाना आना चाहिए, एआई से सवाल पूछने आने चाहिए, एआई से काम निकालना आना चाहिए। वो तो कैपेबल है, सक्षम है, आप उससे कैसे काम निकालेंगे, ये विद्या अगर हमें सीखनी है, तो राज भैया ने इसके लिए एक 5 स्टेप की विद्या तैयार करवाई है, स्पेशली हमारे जैसे लोगों के लिए, यानी आपके जैसे लोगों के लिए, जो बहुत टेक्नो सेवी नहीं है, जो बहुत टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए 5 स्टेप की एक विद्या है, जिसमें पहले सेल्स फनल बने, हम सब अपनी सेल्स फनल तैयार करें, फिर हम कंटेंट को क्यूरेट करें विद एआई, जो चीजें हमें लोगों को दिखानी है, वीडियो दिखाना है, एड बनानी है, या हमें पोस्टर्स दिखाने हैं, कंटेंट लिखना है, वो सब चीजें कैसे डिजाइन हो वो। तीसरा, मेटा पर हमारी एड कैसे रन हो, क्योंकि मेटा के पास करीब 4, 4.5, 5 अरब लोग हैं, वैसे ही गूगल के पास इतने ही 4.5 अरब लोग हैं। उन सब लोगों तक हमारी, या उनमें से अधिकतर लोगों तक, या उनमें से जिनको हम दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को टारगेट करके हम उन तक कैसे पहुंचे और वो हम तक कैसे पहुंचे, YouTube के थ्रू हम कैसे पहुंचे, WhatsApp के थ्रू हम कैसे पहुंचे। ये 5 स्टेप की विद्या है जो राज भैया ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि हम अपने लोगों को ये विद्या क्यों न सिखाएं, जिससे कि वो भी इनेबल हो जाएं, वो भी ये काम कर सके। तो इसके लिए इसको हम 20 तारीख को शुरू कर रहे हैं, रात को 9 बजे, जैसे आज किया था, 9 से 10:30 बजे तक हमारी क्लास रहती है लाइव, उसमें रिकॉर्डिंग्स उसमें रहती हैं, वन टू वन सपोर्ट रहता है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अगले दिन मेरे साथ बैठेंगे आप वन ऑन वन में, और फिर हम वहां से कि मेरे को ये नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से ये ओपन करना नहीं आ रहा, मुझे ये खोलना नहीं आ रहा, तो वो आप वहां से सीख सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, जब तक कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो सीखना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत सरल स्टेप है, बड़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड हैं, 40 से ज्यादा हम जनरली नहीं करते उस क्लास में, क्योंकि वन ऑन वन। अब इसकी जो फीस है वो राज भैया ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि ऐसे कोर्स बड़े महंगे होते हैं, बट आप लोगों के लिए उसको बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से बनाया गया। तो फीस जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है, 5 दिन के प्रोग्राम की हम करीब 5,000 लेते हैं, बट राज भैया ने स्पेशली इसके लिए वो कहा कि नहीं, इतनी फीस हम नहीं रखेंगे, हमारे अपने लोग अभी सिर्फ सीखेंगे, तो उनको सीखने के लिए उन्होंने फीस रखी, ये जो शायद अप्रोक्सीमेट आधे से भी कम है। आप में से जितने लोगों को ये विद्या सीखनी है, राज भैया से संपर्क करके उनके फोन नंबर पे, उनके ग्रुप में आप, ये नंबर होगा, उस नंबर पे आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। इससे संबंधित जितनी क्वेरीज हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 20 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं इसको, 24 तक हम इसे फिनिश करेंगे, 5 दिन में। 5 दिन लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद आप मेरे से जुड़े रहोगे। अगर आपको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन बाद तक भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, महीने तक नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो
तो राज भैया इसमें कुछ इनपुट और ऐड करना हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर एक हाँ बार। सर बिल्कुल, एक चीज मैं बोलना कहना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ, आज हम मिलके काम कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैंने भी जो भी सीखा और इन्हीं से सीखा है, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए, और ऐसे कहते हैं ना कि हर किसी में एक यूएसपी होता है, कोई स्पेशलिटी होती है, तो सर की यूएसपी, लोकमान जी की यूएसपी जो रहे ना, वो 1-to-1 है। इन्होंने एक वर्ड बोला था 1-to-1, हम जैसे किसी क्लास के बाद नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट डे वो 1-to-1 आपको बताएंगे, आपका सिस्टम लेके, ठीक है, और वो आपकी आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। अभी हमारे वीडियो मार्केटिंग का, वीडियो मेकिंग का कोर्स गया था, वो भी 6 दिन का था, 5 से 6 दिन का, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम, कम से कम 1.5 से 2 घंटा दोपहर को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो ये जो यूएसपी है ना, मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मैंने सीखा इसी वजह से मैं सीख पाया, अदरवाइज मेरे को ऊपर से निकल गया, निकल चुका होता। 50 साल की उम्र में मैंने भी सीखा, और जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि 1-to-1 और 1999 इज नॉट ए बिग अमाउंट, और मैंने भी ऐसे कुछ अमाउंट दिया था, और आज कितने थाउजेंड्स, कितने मिलियंस मल्टीप्लाई कर चुका हूं मैं पिछले 4 साल के अंदर, ये मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये चीज़ें आप देखिए कि इतने लोगों की जब भीड़ लानी है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे, हम लोग इसी इसी के थ्रू लेकर जाएंगे। अगर आज हम 1,999 या 2,000 रुपये बचा लिए, ठीक है, 2,000 रुपये बचा लिए, वो कल परसों खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो 2,000 रुपये अगर यहाँ लगा दिए तो कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये आपको भी पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, बिकॉज यू आर नॉट किड्स ना, आप समझदार लोग हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके अपने ऊपर, कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो बुक्स के रूप में करें, चाहे वो टेक्निकल रूप में करें, ये टेक्निकल इन्वेस्टमेंट है जो मैंने भी की थी, और आज हम आपके सामने हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा शेयर कर देते हैं, जो सर ने भी शेयर किया था वही है। इसमें 5 से 6 दिन का है, 6 दिन हम लिखा हो, 5 से 6 दिन का कोर्स होता है, सारा कुछ इसमें डिटेल आएगा। 1999 जो अमाउंट हमारा नॉर्मली ऐसा कुछ रहता है, अच्छा सा अमाउंट फिगर होती है छोटी सी, और ये जो नंबर है 9995357533 वाला, इस नंबर पे पेमेंट करके आपने मेरे नंबर पर 920 वाले पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी तो ग्रुप में सारा कुछ डिटेल आएगी, लेकिन जो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं, फोटो ले सकते हैं, और आज आप मुझे पेमेंट आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट मोमेंट में क्या होता है, कभी कभी यदि भूल जाता है, और टेक्निकली कोर्स है, और 1-2 दिन अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, तो जितना जल्दी आप क्लास अटेंड करेंगे और तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 5,000 का कोर्स लोगमान जी अपने प्लेटफॉर्म पे लेते हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, वो चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, 1999 होगी, सेम क्वालिटी होगी, सेम सब कुछ होगा, सेम आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अभी आपके क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो हम बिल्कुल जरूर लेंगे। मीनू अरोड़ा जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर देंगे जवाब। धन्यवाद। यस सर, जस्ट अ मिनट सर। सर माय क्वेश्चन इज व्हाट्सएप पे, सर व्हाट्सएप पे जो चैट बोटिंग है, व्हाट इज दैट? व्हाट्सएप पे चैट बोटिंग तीन तरह से होती है मीनू जी। एक तो आपने कुछ प्रश्न खुद तय किए कि मेरे जो लोग जुड़े हैं वो ये प्रश्न पूछते हैं, और इन प्रश्नों के ये संभावित उत्तर हैं। अगर व्हाट्सएप को आपने पहले ये समझा दिया कि अगर कोई ये पूछता है तो ये जवाब दे देना, तो व्हाट्सएप आपके व्याप पर वो जवाब देता रहता है। व्हाट्सएप नहीं देता, व्हाट्सएप के साथ पीछे टूल लगा देते हो, तो वो टूल सवाल आया तो सवाल देखता है, ये सवाल पूछा है इसका जवाब मुझे पता है तो वो दे देता है, जो नहीं पता वो कहता है जी फिर मेरे मालिक से पूछ लो, मालिक का ही नंबर। तो सो सर, हाउ आई हैव अ बिजनेस व्हाट्सएप, सो हाउ कैन आई कनेक्ट विद अ चैट बोटिंग? हाँ, आप उसको चैटबॉटिंग का एक टूल लगा लो उसके साथ। लोकमान, आप डेमो दिखा सकते हो ये व्हाट्सएप चैटबॉट का ऑटो रिप्लाई? बिल्कुल बिल्कुल, ऑटो रिप्लाई आप। सर आई हैव अ आइडिया ऑफ ऑटो रिप्लाई बिकॉज, बट आई जस्ट वॉन्ट टू, हाउ कैन आई कनेक्ट माई व्हाट्सएप बिजनेस टू चैट बोट? जी वो तो हो जाएगा, छोटी मोटी चीज होती है, वो तो लोकमान जी बता देंगे आपको। मेरे पास चैटबॉटिंग के कई विकल्प हैं, जिसमें से एक मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक छोटा टूल लगा हुआ है मेरे पास, और इस टूल में यहां पर वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो को मुझे क्या करना है,
वो तो कीवर्ड पे रिस्पॉन्ड करेगा क्या, ऑटो रिस्पॉन्ड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर हाँ जो? बिल्कुल, ऑटो रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ से मैंने वर्क फ्लो, एड वर्क फ्लो बनाया और इसको नाम दे दिया मैंने एबीसी, कीवर्ड दे दिया हाय हेलो कुछ भी, क्योंकि कुछ स्पेशल लिखते हैं ना क्या। लोग जो हिट करते हैं पहला हेलो हाय आई वांट टू नो मोर। चलो जी, मैंने हेलो लिख दिया, हाय भी लिख दिया, नमस्ते भी लिख दिया, सुनो भी लिख दिया। इन चारों में से वो कहता है कि ये पूरा का पूरा शब्द मिले तब मैं जवाब दूं। कंटेन कंटेन द वर्ड आएगा लास्ट में फिर। द वर्ड्स ले लिया मैंने, तो यहां से कंटेन द वर्ड है, किसमें वो शब्द होगा तो आ जाएगा। और मैं कहता हूं कि आप जवाब दे देना, और जवाब में क्या देना, आप एक फोटो भी भेजना। वेलकम, टीम अध्यात्म राज इज हैप्पी हैविंग योर क्वेरी, प्लीज। लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। ये लिख दिया, और सर्विसेज टाइप 100, और सपोर्ट टाइप 200, और प्रोडक्ट सपोर्ट हो गया, बाकी कुछ भी लिख दो आप, 20, 30, 40 जो भी है। और यू कैन कॉल अस एट नंबर कोई लिख दिया आपने। आपने ऑप्शन दे दिए कि आपको सर्विसेज के चाहिए तो 100 पे टाइप कर दो या 200 पे टाइप कर दो, और मैं चाहूँ तो इसमें फोटो भी जोड़ सकता हूँ, वीडियो भी जोड़ सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया। अब मैं आपको चैट बॉक्स में मेरा नंबर भेज रहा हूँ, अब इस पे आप हेलो हाय नमस्ते सुनो कुछ भी लिख दो। नहीं, यहाँ नहीं निकला सॉरी, मेरे नंबर पे लिखना है। 3 से 10 सेकंड की टाइमिंग है उसमें, 3 से 10 सेकंड में आपको उसका जवाब चला जाएगा। लो जी, जवाब जाने शुरू हो गए। ये देखो, मैंने नहीं भेजा, ये ऑटोमेटिक जवाब गया। हाय सर लिखा किसी ने, और वो पूरा का पूरा सर मैसेज मैंने उसको, लिखा है, हाँ हाँ ये आ गया आपके पास। तो यहां से ये था मैनुअल, इसमें एआई नहीं लगा है। अगर आप स्मार्ट टूल लेते हो कोई एआई वाला, तो एआई खुद जवाब देता है, वो अपने कोई आप। है आपके पास अभी कोई डेमो के लिए कोई लोकमान? एआई बहुत कॉस्टली है सर, एआई का अच्छा सॉफ्टवेयर आपको या तो बना हुआ लेना है या आपको कस्टमाइज कराना है। एआई टूल इज वेरी कॉस्टली फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ चैटबॉटिंग। ये तो जो आईसीआईसी बैंक है, एयर सर्विसेज हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं वो अपने कॉस्ट पर। आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए यहाँ अगर 100 क्वेश्चन है, जैसे मेरा जो मैंने यहाँ अपना लिया हुआ है, मेरा चैटबॉट आप ये देखेंगे। सर आपने किससे करा हुआ है? जैसे आईसीआईसीआई बैंक वालों का तो होता ही है, बहुत सारे एचडीएफसी ये लोग सब करते हैं चैट बोटिंग। मेरा चैटबोटिंग अलग है। देखो, मैंने अपना चैटबोटिंग लिया हुआ है यहाँ से, यानी मैंने गूगल सीट पे डाला हुआ है सारा, और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कितने सवाल है मेरे, ये पूरे के पूरे जितना भी रिपीटेटिव टास्क है, मैं सब कुछ यहाँ रख दिया मैंने। कितने क्वेश्चन है मेरे, 75
क्वेरीज है मेरी जो मैंने आइडेंटिफाई की है, कस्टमर मेरे से क्या पूछता है, 75 के आंसर लिख दिए इसको, अभी अपने आप टप 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 जवाब देता रहता है। 3 4 वर्ष हो गए, मेरी लाइफ अच्छा, इजी है। तो आपने गूगल पे ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है ये सारे 75 FAQs का? हाँ, ये पूरा डाल दिया मैंने, वो अपने आप जवाब देता रहता है। तो सर, कौन सा आपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ले रखा है चैट बोटिंग करने के लिए? मैंने जिनसे लिया था उन्होंने अभी उसको बंद कर दिया। मैंने एनजीए के साथ हूँ, मैं एनजीए से लिया था मैंने ये, और संपर्क से तो बस वो आजकल बंद कर दिया उन्होंने। बड़ा परफेक्ट सी चीज थी, और उसके दूसरे और भी विकल्प आ गए जी। फॉर और क्या, एग्जाम्पल सर, कौन सा है जो हम ले सकते हैं, मतलब लाइक अफोर्डेबल एंड रीजनेबल रेट? आपके क्वेश्चंस कितने हैं, कितना बड़ा? सर, आई हैव जस्ट यू नो मैक्स टू मैक्स 7 to 10 questions, नॉट मोर देन दैट, विच आर बेसिक एंड स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस। फ्री वाले से भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो। ये मैंने जो CRM दिखाया था, इसकी 1500 रुपये कॉस्ट है 1 साल की, आप इससे कर सकते हो। और सर, वंडरफुल व्हाट इज पीपल द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विच यू हैव? ट्रेनर्स का ही CRM है, हमारा कस्टमाइज CRM है, हमसे ही ले सकते हो आप उसे। अच्छा, वी कैन टेक इट फ्रॉम यू ओनली? हाँ, इसके लिए आप मुझे ग्रुप में डाल देना ये, क्योंकि बाकी सब लोगों की क्वेरी भी आ सकती है मैम, तो ऑल राइट, ऑल राइट। किसी भी सो टॉपिक सर, पर हाउ मच कॉस्ट यू हैव टोल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? 1500? 1 साल का। हाँ अच्छा, ओके सर, आई वुड लाइक टू कनेक्ट यू रिगार्डिंग दिस। आई'ल टेल बिल्कुल यू बिल्कुल। व्हाट आर माय क्वेश्चंस एंड ऑल और लेटर किसी को ऑन। कोई क्वेश्चन है? चौधरी जी, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज। हाँ सर, मैं बहुत कुछ ये जानता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। राज साहब से ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं इसके लिए खोज रहा था। बहुत भाग्यशाली है कि आप मिले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपसे मिलने के लिए। जरूर सर, सॉरी, जरूर, तो बिल्कुल सर। बाद हम में मैं बात करूंगा राज भाई से मिलके आपसे, है ना। हो सकता है, मैं कानपुर रहता हूँ, मैं दिल्ली भी आने का सोच रहा हूँ। आ जाओ सर, कल बिल्कुल मिलेंगे आप, जाऊंगा। आ जाओ। हम मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, अरे वाह, बहुत स्पिनर बढ़िया। हूँ, और मैं बहुत जगह काम किया हूँ। रेमंड में रहा हूँ 10 साल, रेमंड का बनाया मेरा ही है, बहुत कुछ रेमंड रेमंड को कहाँ, दिया हूँ। कौन से रेमंड? इलाहाबाद? नहीं, रेमंड उलन मिलन थाना। अच्छा, आप थाने में थे? मैंने नैनी में काम किया रेमंड। हाँ, दयनीय हो गए। मैं वहां से मैं बहुत जगह गया हूँ, काठमांडू ठीक है, हम आपसे में गया चर्चा हूँ, करेंगे बंगला सर, से। ठीक बिल्कुल आपसे ठीक जुड़ेंगे अलग फोन पे। मैं यहाँ आपको जी एक दिखा दूं कि जो आपको राज भैया बता रहे थे कि आपकी जी आवाज में AI बात करेगा, वो कैसे हो सकता है? यहाँ पर आपने लिखा माई नेम सर, इज DP चौधरी, जी आई एम स्पिनिंग इंजीनियर, रेमंड थाने, ऐसे करके। अच्छा, जी मैं सब बनाया हूँ आपके पास। मैं मिलना चाहता हूँ, बहुत मैं ईगर हूँ इसके पढ़ने को। नेम इज DP मैं चौधरी, आई रेकी गरन मास्टर एम हूँ, स्पिनिंग इंजीनियर इन और रेमंड। अभिराज साहब, अभी मैं सीखा जी 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 एक, क्या बोलते हैं आवाज आई आपको? जी एक आवाज आने वाली है आपको, सुनना। माय नेम इज DP चौधरी, आई एम इन स्पिनिंग इंजीनियर इन रेमंड थेन। यहां मैंने, ये कबीर की वॉइस है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज का सैंपल दे दो इसको, तो शब्द लिखना और बोलेगा ये, आवाज आपकी होगी। हिंदी में बुलवा के देखना जरा। हम हिंदी में बोलूंगा। एक मिनट सर, मैं बोलूं मैं नहीं, मैं आपका सैंपल मैं अभी दिया नहीं। अभी मैं यहां से, मेरा नाम चौधरी है और मैं एक इंजीनियर हूं। और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। और हूँ मेरा नाम प्रैक्टिस चौधरी है, मैं प्रैक्टिशनर एक हूँ, इंजीनियर हूं। ये लो जी, चौधरी में और CHO देते तो हम ये, CHAUDHARY, CHAU। अंग्रेजी में ये अलग तरीके से समझता है सर। हाँ, तो कुछ भी करे, मैं ऐसे ओके, मेरा लिखता हूँ बैंक में। इसमें
मेरा नाम है सी चौधरी, एच ए मैकेनिक डी एच इंजीनियर। ए आर वाई। हाँ, तो यहां से ये आपकी आवाज आप जो दोगे, अगर आपको अपनी वॉइस क्लोनिंग करनी है तो यहाँ जाएंगे और आप अपनी आवाज का सैंपल दे देंगे, जी और जब आप अपनी आवाज का सैंपल दे देंगे तो उसी आवाज में आप जो सर, आप लिखेंगे, अपने अपनी आवाज का सैंपल डालिए इसमें। नहीं ये जो सब्सक्रिप्शन यहाँ है वो आवाज सैंपल वाला नहीं है, उसका अगला सब्सक्रिप्शन प्लान होता है इसमें। जब आप बोलेंगे ना तो उसे दूंगा, या बोलेंगे तो मैं दिल्ली दिया जाऊंगा। अभी अभी नहीं, वो कर लेंगे सर हम बात। यहाँ ये करंट जी सब्सक्रिप्शन प्लान जो मेरे पास ये प्लान है, उस प्लान में वॉइस जी क्लोनिंग नहीं है। इससे अगला प्लान है उसमें वॉइस क्लोनिंग है। यहाँ से ये देखो, सर, कौन सी एप्लीकेशन से होगा ये वाला वॉइस का? AI आवाज है, ये इंडिया की है, सबसे सस्ती है। इससे पहले 11 Labs है, 11 Labs से कर सकते हो, वो बाहर की है। AI आवाज इन्होंने सस्ती दी है अभी, शायद वो क्लोनिंग वाला भी 1,001 रुपये में आपका सब्सक्रिप्शन आ जाता है। ये तो 300-400 रुपये में ही आ जाता है, तो ये परफेक्ट होगा ए आई आवाज। AI आवाज। AI आवाज उठाई हो तो आप यहाँ से अपनी टेक्स्ट टू ऑडियो ला सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है तो उसको टेक्स्ट में लिख देगा, ये भी हो सकता है। तो इन सारी बातों के साथ आज आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे और समय की सुई अलाउ सर, नहीं आई कर। हैव वन मोर क्वेश्चन, जस्ट इन अ शॉर्ट, जस्ट ओनली वन थिंग सर। हैश सिंगर, हाउ इज इट गोइंग टू मेक अ वेबसाइट? हैश सिंगर, व्हाट योर कौन सा था वो, हैश होस्टिंगर, होस्टिंगर, होस्टिंगर होस्टिंगर, होस्टिंगर, यस सर, 5 मिनट में होस्टिंग वेबसाइट बना देता है, 5 मिनट में। नहीं, सर। ये भी एआई पेड है, ये भी प्योर होस्टिंगर। AI। लोगों ने, अच्छा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेहनत की है तो वो पैसा तो लेते हैं पर बहुत कम लेते हैं। होस्टिंगर की वेबसाइट आप ये लगा लो कि आपको करिश्मा है, 5 मिनट में अच्छा वेबसाइट हाथ में आती है आपके। ओके सो यस अच्छा सो दिस इज अ पेड एआई टूल, होस्टिंगर। होस्टिंग नहीं है, ओके वो AI टूल ऑलराइट ही नहीं, AI टूल तो फ्री आता है उसके साथ, आपको वेबसाइट के डोमेन होस्टिंग लेनी पड़ती है बस। अच्छा सर, इसमें चैट जीपीटी का एक वर्जन फ्री है, और जो ये मिड जर्नी है सर, टेक्स्ट टू इमेज, ये इज इट अ पेड बेसिक और सम? बेसिक बेसिक वर्जन इनके सबके फ्री है, आपको जो एडवांस अच्छा वर्जन अगर कहीं कोई जरूरत पड़ता है तो पे करना पड़ता है, अदरवाइज बेसिक वर्जन सारे फ्री है। तो ये जो फॉर्म्स ऐप है, ये फॉर्म मतलब लाइक एनी काइंड ऑफ अ फॉर्म्स क्रिएट करेगा? अच्छा, हाँ, ये आवाज वाला था, एआई आवाज। आपको जिस पर्पज के लिए भी टूल्स पता करने हो, आप मेरे को लिख देंगे, राज भैया के ग्रुप में लिख देंगे, तो आपको वहां जवाब आ जाएगा। ठीक है राज भैया, इसी के साथ फिर आज की सभा को हम यही अंजाम दें जी बिल्कुल और बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत टाइम हो गया, थैंक थैंक यू वेरी मच। यू जी, बहुत थैंक यू। बहुत और धन्यवाद थैंक यू सर। एक बार आप ग्रुप में वो अपना नंबर डाल दें, ताकि जिन लोगों को भी, क्योंकि 40 से ज्यादा का बैच हम शायद नहीं रखेंगे, उतना ही रखें, तो जिसको जितनी जल्दी ज्वाइन करना है ज्वाइन थैंक करें और इस विद्या को अंगीकृत करके बढ़ो आगे। कमाल यू की विद्या है, जब से हमने सीखी है हमारे काम में 4 चांद लग रहे हैं, तो आपके में भी लगेंगे। जी सर, थैंक यू राज धन्यवाद भैया सर। जी, बिल्कुल, आपको थैंक जूम जूम की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और जूम जितने भी क्लासेस होंगे उनकी सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी परमानेंट आपको। कहीं के क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, तो 100% बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर, ठीक व्हाट्सएप है, पे मिलेगी रिकॉर्डिंग? हाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग परमानेंट मिलेगी आपको। आप कहीं भी खोलो, व्हाट्सएप पे खोलिए चाहे आप लैपटॉप पे खोलिए। कहीं भी आप, अच्छा, इसको जानने के लिए लैपटॉप जरूरी है क्या? लैपटॉप शुरुआत में तो जरूरी नहीं है, पर बाद में आप लो तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप कोई बात की जिंदगी नहीं, आसान बनाता है सर। जी आजकल कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं रहा कि लैपटॉप के नहीं सीखा जा सके, बहुत आसान है। जी आप आगे बढ़े और मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप अरे बहुत धन्यवाद सर, उम्र को बीट कर रहे हो। मिलूंगा सर आपसे, हराज जरूर जरूर भाई सर, से बात ठीक करें, हम है लोग दोनों साथी है। ठीक है। आपके कोई कमेंट्स हो आज की क्लास में, आपके एक्सपेक्टेशन पूरे हुए या कमेंट कुछ? है कि मेरे लिए संजीवनी है, मैं बहुत बढ़िया जी, अपने बढ़िया। लाइफ को एक और गेम खेलना चाहता हूँ, एक और खेलना चाहता हूँ खेलो सर खेलो, जी। बहुत बढ़िया। हम आपकी जहां भी हम आ रहे हैं अभी वहां।
काम फील आता कर रहा हूँ 35 के लिए है। कितने अरे में वाह, हो, बहुत बढ़िया। लगभग मेरा ऐसा एक तो लगभग 90 हो गया है। अभी तो और लंबी पारी है आपके पास सर, बहुत अच्छी मैं बात है, दो बड़ी सरकार की प्रेरणा आती जिंदा है, रहने वाला हूँ। बड़ी प्रेरणा आती है हमें आपसे। चौधरी और साहब के इन शब्दों से सभी लोगों को हौसला मिलेगा। नहीं डबल सेंचुरी का धन्यवाद सोचा हुआ है चौधरी साहब ने, डबल सेंचुरी सोचा हुआ है, सेंचुरी होने वाली है, 10 साल रह गए। बहुत मुबारक हो आपको चौधरी साहब, और ऐसी लंबी उम्र दे धन्यवाद ईश्वर आपको, रेकी माँ ऐसी लंबी उम्र दे, हम भी प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ आज सर, की इस मीटिंग का के लिए आपको आने के लिए थैंक धन्यवाद करते हैं। यू, आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक धन्यवाद यू सर, सर, हमको थैंक यू, गुड संजीवनी नाइट सर, मिला। गुड नाइट, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सर, गुड नाइट। सर, ओके ओके, बाय बाय थैंक यू सर, जी, ओके, वेलकम ओके, सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड सलाम। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।